बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो बिना किसी सुपरस्टार के साथ डेब्यू किए भी हिट हो जाते हैं, तो वहीं कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो बकायदा बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ डेब्यू करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी किस्मत उनका साथ नहीं देती और वो फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ अपने करियर की शुरुआत की है, इनमें से कुछ तो हिट रही लेकिन कुछ फ्लॉप होगी। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है भूमिका चावला। आज भूमिका का जन्मदिन है। भले ही इन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म से डेब्यू किया लेकिन ये यहाँ ज्यादा चल नहीं पाई। लेकिन आपको बता दें कि भूमिका भले ही बॉलीवुड में ज्यादा चल नहीं पाई लेकिन वो साउथ फिल्मों की सुपरस्टार रह चुकी हैं। उन्होंने कई साउथ की फिल्मों में काम किया है। इसके बाद भूमिका चावला अभिषेक बच्चन के साथ भी रन फिल्म में नजर आई लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बहरहाल आज उनके जन्मदिन पर जानिए कुछ दिलचस्प बातें। बात की जाए उनके बिल्कुल शुरुआती करियर की तो उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम से करियर की शुरुआत की थी जिसके बाद उन्हें साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। भूमिका चावला ने बॉलीवुड में फिल्म तेरे नाम से डेब्यू किया था। उन्हें शानदार डेब्यू तो मिला लेकिन फिर भी वो इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई। भूमिका चावला ने सलमान खान के साथ एक नहीं बल्कि दो फिल्में की हैं, वो सलमान खान और प्रीति जिंटा के साथ वो दिल ने जिसे अपना कहा में भी नजर आई थी। भूमिका चावला भले बॉलीवुड में नहीं चली लेकिन वो साउथ की फिल्मों का बॉलीवुड में एंट्री के पहले ही जाना माना चेहरा थी। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अभिषेक बच्चन के साथ भूमिका चावला रन में भी नजर आई लेकिन दोनों में किसी का करियर नहीं बच पाया। आज दोनों ही फिल्मों से दूर हैं। बहरहाल वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भूमिका चावला धोनी की बहन की भूमिका में नजर आईं।